नमस्ते दोस्तों, उषा विलेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, मैं यहाँ आई हूँ, इतने अच्छे खेत हैं, इतने हरियाली, और आप लोग बताएंगे, यहाँ बता दूँ एक किस चीज़ का पेड़ है। तो ये है जुकिनी का पेड़ है। तो आप लोगों को इसी के वीडियो आप लोगों को बनाकर दिखाएंगे। तो आप लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें दोस्तों, जैसे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के पास आसानी से पहुँचता रहे। तो आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए, मैं आप लोगों को खेत में इसके फर के दिखाऊंगी, कितने अच्छे अच्छे हैं। तो पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कितना बड़ा खेत है, देख लीजिए। और पूरा एकदम हरा भरा है और सारे पत्ती एकदम खिले खुले हैं, फर और फूल सभी कुछ बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। एक यहाँ पे है, देखिए बहुत ही अच्छा से, बहुत ही बड़ा बड़ा फरा हुआ है। तो इसमें देख लीजिए कितना अच्छा प्यारे फूल हैं। ये देखिए एकदम खिल चुका है, इसके अंदर देखिए कितने, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना। ये देखिए जुकनी, देखिए अभी छोटा है और उससे बड़ा ये है। तो ये देख सकते हैं कितने बड़ा हो गया है, अभी बहुत ही अच्छा है ये। इसकी सब्जी दोस्तों बहुत ही बढ़िया होती है, आप लोगों को बना कर दिखाएंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो को लगते रहिए लास्ट तक। जड़ से आप लोग देख सकते हैं ये। चलिए मैं इसको तोड़ती हूँ। आप लोग कैसा लगा बताना कमेंट करके, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसकी सब्जी भी बहुत बढ़िया होगी। तो ऐसे ही मैं एक दो और तोड़ लेती हूँ आप लोग दिखाते हुए। तो ऐसे ही चलिए आप लोगों को दूसरा भी दिखा देते हैं और तोड़ते हैं। और इसमें आप लोग देख सकते हैं पास से, तो इस पेड़ में हम आप लोगों को दिखाते हैं कितने ज़्यादा ढोल लगे हुए हैं। ये देखिए छोटे बड़े, बहुत ही अच्छा ये फरेगा। अभी देखिए कितना ज़्यादा फरा भी है, एक देखिए बहुत ही बड़ा, ये बड़ा हो गया है, इसको मैं नहीं तोड़ूँगी। और ये देखिए इसके फूल दो तीन इधर भी फूले हैं, बहुत ही अच्छा फरता है ये। अब बहुत दोस्तों किसान लोग कितनी ज़्यादा मेहनत करके और कैसे तैयार करते हैं, तब जाकर सब्जी तैयार होती है। तो कूला बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बीच में पानी भरने के लिए नाली बनी हुई है, उसी में डोलते हैं, उसी में से तोड़ते हैं। तो इसके पत्ते देखिए बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, इसलिए आप लोग दिखाई नहीं पड़ रहा है, पर फरा बहुत ज़्यादा है ये। तो ऐसे ही आप एक कौर तोड़ लेते हैं, वैसे ही इतना बड़ा है, काफ़ी हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए बगल बगल में कितना तोड़ा हुआ है। अब मैं इसको तोड़ूंगी, तो इसको घुमा कर तोड़ना है, बहुत ही आसानी से टूट जाता है क्योंकि वजन बहुत ज़्यादा है। ये देखिए मैंने तोड़ लिया दो। तो हमारे यहाँ ऐसे जुगनी ही कहते हैं, और आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट करके बताना। और आप लोग का खेत कैसा लगा और जुगनी इतना अच्छा फरा हुआ है, ये सब कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो जरूर आप लोग लाइक करना। अब चल रहे हैं घर पे। तो घर पे हम पहुंच चुके हैं, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं खाना। तो ये पहले इसको मैं धो लेती हूँ अच्छे से, ये टमाटर साथ में भी धो लेते हैं। और ये बहुत बड़ा है, मैं इसको नहीं काट रही हूँ। धोकर इस थाली में हम रख देते हैं। तो अब मैं काटना स्टार्ट करती हूँ, दोनों साइड में पहले काट कर मैं हटा देती हूँ। तो बीज देखिए बहुत ही नरम है, मैं इसका छिलका नहीं उतार रही हूँ, ऐसे ही बनाएंगे। आप लोग चाहे तो इसका छिलका उतार सकते हैं। तो इतना बड़ा साइज में रख रही हूँ, बहुत ही नरम कट रहा है क्योंकि भी बहुत नरम है, बहुत बड़ा होगा ये। और पास से आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बीज बहुत छोटे से हैं, बहुत ही नरम है, बस पता ही चल रहा है, बस ये निकालेंगे नहीं इसको। तो हाथ को सेकने के लिए आग को भी जला कर रखते हैं, उसी में से आग लेकर मैंने चूल्हे को भी जला दिया है, बहुत अच्छे से जलने लगा है। अब सब्जी भी हमारी कट चुकी है, तो अब हम टमाटर को भी काट लेते हैं।
तो टमाटर काफी पका हुआ हमने लिया है और छोटे छोटे टुकड़े में हम काट कर सारे टमाटर को रख लेते हैं। तो मिर्चा और अदरक को हमने इसमें काटा हुआ है और लहसुन को भी छिलका हटा कर रख लेते हैं, तड़का देंगे। तो सभी चीजों को हम अब सिलबट्टे से पीस लेते हैं। तो हम पीस लिए हैं, अब इसको हम सिलबट्टे से उठाकर कटोरी में रख लेते हैं। तो आग को हमने पहले से ही जला रखा था और मैं अब इस पे कढ़ाई रख देती हूँ। कढ़ाई रखने के बाद डाल देती हूँ सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म हो देते हैं। तो तेल गर्म हो चुका है, इसमें डाल देते हैं जीरा, तेजपत्ता। इसके बाद जो मैंने पेस्ट बनाया था इसको डाल देते हैं। थोड़ा सा इसको हम भून लेते हैं। तो अब इसमें डाल देते हैं मसाले। ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ये लाल मिर्चा है, इसको भी पका लेते हैं। देखिए मैंने मसाले को भी अच्छे से पका लिया है। अब इसमें डाल देते हैं टमाटर। टमाटर को भूनते हुए और ढककर इसको गलाएंगे। देखिए मैंने चला दिया है, अच्छे से मिला दिया है। अब इसको ढक देते हैं। तो बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे। तो देखिए गलना स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा इसमें हम डाल देते हैं ये नमक। नमक डालकर मिलाकर फिर हम ढकते हैं। तो अब इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए टमाटर को बहुत अच्छे से गल गया है ये। अब इसमें हम डाल देते हैं ये जुगनी, डालकर इसको हम मिला देते हैं। तो अब हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। थोड़ा सा नमक पहले से मैंने डाला हुआ था, उसी हिसाब से डाल देते हैं। नमक डालकर मिलाकर ढककर थोड़ा सा पका लेंगे, उसके बाद हम पानी डालेंगे इसमें। तो एक बार हम और चला देते हैं इसको। तो थोड़ा सा हम और इसको गलाएंगे, और जैसे मसाला हमारा अच्छे से जुगनी वाली सब्जी में अच्छे से घुस जाए तभी मैं पानी डालूंगी। तो देखिए जो टमाटर का हमने गलाया हुआ था उसी में बहुत अच्छे से पक रहा है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। तो थोड़ा सा पानी हम और डाल देते हैं, जैसे हमारा जो है ग्रेवी जो है थोड़ा सा मैं रखूंगी। तो एक बार मैं अब सब्जी को आप लोग दिखा देती हूँ। तो देखिए बहुत अच्छे से उबल रहा है। मैंने थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाला था इसलिए कि अच्छे से हमारा ये पक जाए, थोड़ा सा अच्छे से गल जाए। और अब मैं इसको ढककर तेज आंच में पका दूंगी। अब चल रही हूँ मैं आटे को तैयार करूंगी। तो अब मैं आटे को तैयार करती हूँ, बनाऊंगी मैं पूरी। तो थोड़ा सा आटा को मैं टाइट रखूंगी। तो चलिए एक बार हम बीच में सब्जी को देख लेते हैं। तो आप लोग चाहे तो इसको खड़े ही रखें, मैं थोड़ा सा इसको खून देती हूँ। चलिए आप लोग को सब्जी दिखा देते हैं कितना अच्छा बना हुआ है। देखिए तो दोस्तों इस तरह से अगर आप लोग बनाएंगे सब्जी तो बहुत ही बढ़िया सब्जी बनकर तैयार होगा। एक बार जरूर आप लोग बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी सब्जी बनी है आप लोग। अच्छा बना हुआ है दोस्तों, तो आज प्लीज लाइक कर देना। थोड़ा सा मैं इसको आँच पे ही रखूंगी और आग को मैंने एकदम कम कर दिया है। तो थोड़ा सा मैंने आँच पे रखा हुआ था, अब मैं इस भगोले में निकाल देती हूँ। इसी कढ़ाई में बनाऊंगी पूरी। तो पलट लेती हूँ और कलर भी बहुत बढ़िया आया है, खुशबू भी दोस्तों बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो भगोले के इस चूल्हे पर रखकर हम ढक देते हैं और कढ़ाई को अच्छे से साफ कर लेते हैं। तो कढ़ाई को हमने फिर दोबारा साफ कर लिया है अच्छे से। अब इस पे रख देते हैं गर्म होकर। अब इसमें डाल देते हैं तेल। अब आटे को थोड़ा सा हम मसल कर काट कर हम अब चकई को बनाएंगे। तो हम एक एक पूड़ी बेलते जाएंगे और छानते जाएंगे। तेल भी हमारा गर्म हो गया है, इसमें डाल देते हैं, पलट देते हैं, एक साइड में दूसरी पूड़ी को डालते हैं। तो ये वाली पूड़ी हमारे ब्राउन कलर हो गई, इसको निकाल देते हैं। तो ऐसे ही पूड़ियों को हम छान लेते हैं। तो सारी पूड़ियों को हमने बना लिया है, एक दो है इसको भी बना लेते हैं।
और जुकीनी की सब्जी के साथ हमने सूखी सब्जी बनाया है एकदम, तो उसके साथ पूड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है सब लोगों को। अब हमारा पूड़ी बन चुका है, अब मैं कढ़ाई को उतार देती हूँ। तो अब मैं थाली में खाने को परोस लेती हूँ। अब मैं बगल में पूड़ी को भी रख लेते हैं। तो आज हमने बनाया है जुकीनी की सब्जी और उसके साथ पूड़ी। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक रखें, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। उषा विलेज फूड चैनल को अगर आप लोग मदद देना चाहते हैं तो पेट्रियन के जरिए दे सकते हैं।